Welcome. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you. Very good, very good, very good. आदरणीय अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बैठ गए, बैठ गए। देवियों सज्जनों, जैसे उड़ानों को अंबर की जरूरत है, इच्छाओं को सबर की जरूरत है, लक्ष्य को सही डगर की जरूरत है, ठीक वैसे ही हर सपने को बस एक अवसर की जरूरत है, एक अवसर की जरूरत है। वो अवसर जो कोशिशों की जीत है, तानों की हार है, वो अवसर जो मन का विश्वास है, मेहनत का श्रृंगार है, वो अवसर जिसका नाम प्ले लॉन्ग स्पेशल तेज तरार शुक्रवार है, तेज तरार शुक्रवार। तो देवियों सज्जनों, ये शुक्रवार तेज तरार इसलिए है क्योंकि जितनी तेजी से बुलेट ट्रेन नहीं चलती है, जितनी तेजी से बुमराह की गेंद नहीं पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से यहां पर घर की सीट हॉट सीट बन जाती है। इस दौर की शुरुआत में हमने घर बैठी जनता से वादा किया था कि उनके घर की सीट भी एकदम हॉट सीट बन सकती है, तो घर बैठी जनता ने हमारी बात को माना, सराहा और बड़ी उत्सुकता के साथ लाखों लोगों ने केबीसी प्ले लॉन्ग खेला। आज हमारे कंप्यूटर जी यानी ज्ञाननाथ जी ने 10 ऐसे खिलाड़ियों को यहां चुना हुआ जो आज हमारे साथ यहां पर विराजमान है और ये हमारे साथ खेलेंगे प्ले लॉन्ग स्पेशल। देवियों सज्जनों, ये हमारे 10 खिलाड़ी बड़ी मेहनत के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के आज यहाँ पहुँचे हैं। आप सिलेक्ट हो चुके हैं प्ले लॉन्ग के एपिसोड के लिए। सिलेक्ट हो गए कल आने के लिए। सही में? केबीसी से कॉल आया और एक ही रात में और जो लाइफ है पूरा चेंज हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मैजिक हुआ है। पिछले 22 घंटे से तो पूरा केबीसी केबीसी ही चल रहा है, एक मिनट का भी सांस लेने की फुर्सत नहीं, पूरा एक्साइटमेंट। पैकिंग नहीं उसे कहेंगे, भर लिया कपड़ों को और बस रेडी होके आ गए। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है, वो डायलॉग मेरे लिए बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठता है। पल जो ठहरा है ले के सहरा है, दो कदम पे ही खास सुनहरा है। एक्साइटमेंट अभी भी दिख नहीं रहा है, बट देन अंदर से यू फील वाओ। सुबह से एक ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, पता नहीं शायद बैठा भी नहीं हो, बस तब से कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी स्टेज पे पहुँचे। अभी FFF खेलने के लिए आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट एंड 100%। जोरदार तालियों के साथ उनका हम चाहते हैं कि स्वागत किया जाए। वेलकम। सबसे पहले स्वागत कीजिए उनका जो अपने ऑफिस के कंप्यूटर को छोड़ के हमारे कंप्यूटर जी से मिलने आए हैं, सत्य नारायण सुबराया। ये एक बैंकर है और ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। अब बारी है उनकी जिन्होंने केबीसी के कॉन्फर्मेशन कॉल को फ्रॉड कॉल समझ लिया था। सोनाली सुरेश पारदी जी, ये एक असिस्टेंट टीचर हैं और पौनी महाराज से हैं। अब मिलते हैं उनसे जिनकी केबीसी ने जोड़ी बना दी, सीतू साहू जी। ये एक सोशल वर्कर है और दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। और स्वागत किया जाए उनका जिन्होंने रात के 11 बजे अपने बॉस को नींद से उठा करके केबीसी पर आने के लिए छुट्टी मांगी है, कुमार प्रवीण। एक जर्नलिस्ट है और पूर्णिया बिहार से है और आज अपने बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर खुद फ्लाइट से बैठकर आ गई है यहाँ
प्रीति दीक्षित जी, ये एक होम मेकर हैं और कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। और अब मिलते हैं कुलदीप शर्मा जी से, ये एक फ्रीलांस प्रूफ रीडर हैं और मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। और जोरदार तालियां बज जाए, स्वागत किया जाए उनका, डॉक्टर नसरीन भारती का। ये प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट जनरल सर्जन है और जयपुर राजस्थान से है। और अब मिलते हैं उनसे जो केबीसी की इंसाइक्लोपीडिया है। स्वागत किया जाए देवांग जोशी का, ये एक बैंक में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और अहमदाबाद गुजरात से है। अब मिलिए उनसे जो आज अपनी बहन के घर की शिफ्टिंग छोड़कर खुद यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। समीर शाह उनका नाम है, ये ट्रेडिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर है और ठाणे महाराष्ट्र से हैं। और अंत में देवियों संजय, स्वागत किया जाए उनका जिन्हें आज आंध्र प्रदेश में होना था लेकिन यहाँ हॉट सीट की रेस में बैठे हुए हैं। साई आकाश उनका नाम है, ये एक बैंकर है और बेंगलुरु कर्नाटक से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। तो देवियों संजय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ इतनी तेजी से और अचानक हुआ है कि हमारे साथ जितने भी कंटेस्टेंट बैठे हैं आज यहाँ, उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ आ गए। सही कह रहे हैं कि नहीं हम, है ना? अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर गाली गलौज भी शुरू कर दिया। जब गया ना कॉल यहाँ से, उन्होंने कहा अरे जा झूठ बोल रहे, तो हम नहीं हैं। किसी ने कहा हम आपके ऊपर केस कर देंगे, देखिए आप गलत जगह हमको ले जा रहे हैं। लेकिन सब बच गए, ना किसी ने केस किया है, इनमें से किसी ने ना गाली दी है, सब यहाँ खेल खेलने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ऑल द बेस्ट यू, बिल्कुल ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जो है जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके आप अपना फैसला लीजिएगा। ऑलराइट, तो रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किसका नाम एक कंप्यूटर की का भी नाम है? Which of these shares its name with the type of computer key? और आपके options ये आपके सामने, A Earth, B Space, C Planet, D Moon। समय हो गया समाप्त, देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है B Space, स्पेस बार होता है कंप्यूटर की में। Alright, अब B में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? 10 नामों में से कुमार प्रवीण और डॉक्टर नसरीन को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका रहा? समीर शाह जी ने 1.27 सेकंड में उत्तर दिया। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो है कि समीर शाह जी नंबर वन स्थान पर पहुंच गए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से ऐसी कौन सी विधि यह समारोह है जिसमें एक महिला अपना वर चुनती है? Which of these is a ritual or ceremony in which a woman can choose her groom? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए समाधि, बी अश्वमेध, सी स्वयंवर, या डी राजसूय। और यह समय समाप्त हो गया है, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी स्वयंवर, बिल्कुल सही जवाब है। और अब देखते हैं स्वयंवर में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। वाह, सभी ने सही जवाब दिया, स्वयंवर कितना पसंद है सबको। ऑलराइट, अब सबसे कम समय में किसने दिया है? सत्यनारायण सुबराया, 1.02 सेकंड। तो समीर शाह चल रहे थे नंबर वन स्थान पर, अब लीडर बोर्ड पर जो स्थान बनती है वो ये है, समीर शाह अभी भी नंबर वन स्थान पर है, बधाई। ऑलराइट, अब आ रहा है तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका जो निर्णय होगा वो बताएगा कि हॉट सीट पर कौन आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस नाम के आगे उत्तर और दक्षिण लगाने से आपको दो अलग अलग देश मिलेंगे? आफ्टर पुटिंग नॉर्थ एंड साउथ इन फ्रंट ऑफ विच ऑफ दीज नेम्स वुड यू गेट टू डिफरेंट कंट्रीज? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, ए सुडान, बी श्रीलंका, सी रशिया, या डी कोरिया। सुडान, श्रीलंका, रशिया, और इज इट डी
कुरिया। हो गया समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, कोरिया। नॉर्थ कोरिया होता है, साउथ कोरिया होता है, दो अलग अलग कंट्रीज हैं। ओके, डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? एक को छोड़ के सभी ने, समीर शाह ने। ओके, तो सबसे कम समय किसका रहा? सत्यनारायण सुबरा ने, 1.23 सेकंड, वेल डन। तो अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? समीर शाह नंबर वन स्थान पर थे, सत्यनारायण सुबराया, वेल डन सर। आइए सर, बिग हैंड फॉर सत्यनारायण सर। सर, ऑल द बेस्ट सर, वेल प्लेड, वेल डन। अनबिलीवेबल। चलो सर, अरे डोंट बी देयर, अनबिलीवेबल सर। आइए सर, कम कम, keep the applause going, ladies and gentlemen. Come on, Sid. Well done. Well done, Satyanarayan ji. Thank you, sir. देखिए जो हमारा प्ले लॉन्ग स्पेशल है, जिसको हम प्ले लॉन्ग शुक्रवार कहते हैं, उसको शीर्षक दिया हुआ है, उसके आज आप पहले खिलाड़ी हैं। सर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ बैठे हैं आपके सामने। यकीन हो गया, आप बैठ गए हॉट सीट पर। 4 दिन पहले तक टीवी में देख रहे हैं जी, 22 साल 1 महीना और 9 दिन जब से केबीसी शुरू हुआ है। तब से ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी पहुंचेंगे। सही बोलो जी, जी पिछले 1-8 साल में तो उम्मीद छोड़ दी थी, 20 साल ट्राई करने के बाद सोचा कि होना नहीं है, छोड़ दो जी। लेकिन वापस जब ये शुरू हुआ जी, आप घर पे बीवी ने और मम्मी ने बोला कि खेलो, इतने साल से करते आ रहे हो, और आई थिंक क्रेडिट टू द प्ले अलोंग पार्ट, जो अपने को एक मौका मिला है, एक ऐसी तिजोरी की चाबी है कि आज आपके सामने, आई मीन टाइगर उल्फ शेखर पहली मूवी देखी थी सर, आपकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो हम, आज भी वो याद है बैकग्राउंड म्यूजिक, और यू नो जी जी जी, तो मतलब यकीन नहीं हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत बहुत बधाई, एक बात है, तो देवियों सज्जनों मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सत्यनारायण सुबराया, ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और ये एक बैंकर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर। और सत्यनारायण जी, आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं लाए? नहीं सर, घर पे छोटी सी बेटी है, 3 साल की है, तो मम्मी और वाइफ दोनों को लेके आने का सोच रहा था जी, जी। लेकिन बिकॉज लॉजिस्टिक्स इतना शॉर्ट टाइम में था, प्ले लॉन्ग समझ में नहीं आया, तो सोचा उनको परेशानी में नहीं डाले, तो उनको सोचा कि चलो घर पे रख लेते हैं, छोटी बच्ची है, तो छोटी बच्ची है, फिर परेशानी बहुत होती है। ऑलराइट, ओके। जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका बस एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ भाई साहब आप खेलिएगा। थैंक यू सर। और इससे पहले कि खेल की शुरुआत करें, कुछ खेल के नियम हैं जो हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है हमारे कंटेस्टेंट को समझाना। तो सत्यनारायण जी, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, ₹1,000 से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते 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 ये जाएंगे 16वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है ₹1,00,000। राइट। इस यात्रा में दो पड़ाव पड़ते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 का पहला पड़ाव आता है, 10वें प्रश्न पर ₹3,20,000 का दूसरा पड़ाव आता है, और 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक तिलिस्मी तिजोरी है, 17वां प्रश्न जो जैकपॉट प्रश्न है, और उसका मूल्य है ₹7,50,000। उसी के साथ साथ एक और परिवर्तन डाला है अबकी बार इस खेल में, और वो है एक तीसरा पड़ाव जिसका नाम हमने दिया है धन अमृत। ये है 15वें प्रश्न पर ₹75,00,000। 3 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और जब आप चाहें इनका उपयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, आरंभ किया जाए सत्यनारायण जी, लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट, ऑल द बेस्ट यू सत्यनारायण जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न ₹1,000 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। स्कूल के प्रारंभिक वर्ष और वजन की एक इकाई के लिए इनमें से कौन सा शब्द समान है? Which of these terms is common to the early years of school and a unit of weight? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए टन, बी केजी, सी एमजी, डी यूजी। सर आपको बताना पड़ेगा। अच्छा सर, ऑप्शन बी केजी,
केजी केजी आपको कहना पड़ेगा प्लीज लॉक. ओके प्लीज लॉक ऑप्शन बी केजी. ओके बी पे ताला लगाया जाए. यस इज द राइट आंसर. केजी का अर्थ होता है किंडरगार्टन. किंडरगार्टन और ये शब्द जो है ये जर्मन भाषा से आया है क्योंकि जर्मनी में किंडर को बच्चे के लिए होता है right. और गार्डन जो है वो गार्डन. पहला जो किंडरगार्टन शब्द बना था वो बनाया था एक सज्जन पुरुष ने जिनका नाम है फ्रीडरिक फ्रोबेल. फ्रीडरिक फ्रोबेल ये शुरू किया गया था और उन्हीं ने इस शब्द का आविष्कार किया क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों को वो जब देखते हैं तो वो छोटे फूलों के रूप में उनको देखते हैं. बच्चे जो होते हैं एक छोटे फूल की तरह हैं जो विविध प्रकार के होते हैं और इनको देखभाल की आवश्यकता रहती है. जैसे फूल की देखभाल करना पड़ता है वैसे ही बच्चों को भी. और यही वजह है कि आज आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं ला सके क्योंकि आपके 3 साल की जो बच्ची है वो फूल स्वरूप है उसकी देखभाल बहुत आवश्यक. सर अगर वो फूल स्वरूप होती तो फिर भी मैं लेके आ जाता. अरे वो तो एब्सोल्यूट बंदर है. उसको यहाँ पे कहीं लेके आता ना पता नहीं यहाँ पे क्या हल्ला मचा लेती है. ओहो. बताना मुश्किल है. इसीलिए उसको इनफैक्ट अभी घर पे भी नहीं रखे इसको स्कूल भेजा है. अच्छा अच्छा घर पे रहेंगे तो फिर मुश्किल है. सर क्या तो, है कि ये जो नई पीढ़ी है सर ऐसे ही है सब. सर मानो सहमत है कि नहीं आप लोग. सर न जाने क्या क्या बोलते हैं क्या क्या करते हैं और आप उनके साथ बहस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दस्त हो ऐसे छोड़ देंगे एग्जाम्पल्स या कुछ गुब्बारे छोड़ देंगे या गोली चला देंगे ऐसे. आप एक तो ताज्जुब में रहते अरे तुमको कैसे मालूम ये सब. वो सब मालूम है सर उनको. सर आप मानो ना मानो मेरी बेटी जो है उसको अभी अल्फाबेट थोड़ा सीख रही है मतलब अल्फा सीखना शुरू है लेकिन मोबाइल पे कॉल लिस्ट में जाके वो देख के उसको पता है कि किस पे दबाने में किसको कॉल जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने. सो ये मैं खुद हैरान हूँ कि जब पढ़ाई लिखाई नहीं समझ में आता है अब मोबाइल का स्क्रीन देख के आपको पता है कि कौन सा नंबर पे डायल करना है और वीडियो कॉल करना है कि ऑडियो कॉल करना है. वो हो तो वो समझ में नहीं आया कि यार ये लोग कहाँ से सीख लिए. गजब जमाना आ गया है भाई साहब. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. और मान्यवर अब आपको बताना पड़ेगा. हाँ. आप उंगली दबा रहे थे जैसे कि आप वहां बैठे हैं है कि नहीं. हम भी सोचे क्या कर रहे हैं कितना देख रहे हैं उसको. मैं भी वही सोच रहा था फिर याद आया कि ऑलराइट. आमतौर पर इनमें से क्या कैमरे का हिस्सा नहीं होता है. विच ऑफ दीज इज नॉट यूजुअली ए पार्ट ऑफ अ कैमरा. ऑप्शन सुनिए. ए लेंस बी फ्लैश सी शटर या डी माउस. सर ऑप्शन डी माउस को लॉक किया जाए. लॉक कर दें. डी पे ताला लगाया जाए. इज द राइट आंसर. वेल डन. तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए. अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने सत्यनारायण जी. इनमें से कौन सा जानवर मनुष्यों में होने वाले अधिकतर रेबीज का कारण होता है. Which of these animals is responsible for most rabies transmissions to humans? ये एक इमेज प्रश्न है. अच्छा. Can we have the pictures, please? Animals responsible for most rabies transmissions to humans. हाँ सर. यहीं से देख के आप बोल सकते हैं. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी. ऑप्शन बी. बी को ताला लॉक किया जाए. यस इज द राइट आंसर. ऑलराइट सत्यनारायण जी आगे बढ़ते हैं. चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. मल्लिका साराभाई उस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है. विच ऑफ दीज आर्ट फॉर्म्स मोस्ट फेमसली कनेक्ट्स मल्लिका साराभाई उस्ताद देबू एंड पंडित बिरजू महाराज. एंड योर ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन नाउ. ए पेंटिंग बी स्कल्पटिंग सी डांस डी पोएट्री. चित्र मूर्ति नृत्य या काव्य. सर ऑप्शन सी डांस को लॉक किया जाए. ऑलराइट ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए. नृत्य. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. बधाई आपको. yeah.
पता नहीं आपने कभी इनको देखा होगा। सर देखा तो नहीं है सर, बट हाँ मल्लिका साराभाई जी की जो फादर है विक्रम साराभाई जी, जी जी, जो अपने इंडियन स्पेस रिसर्च के तो मतलब उनके तो बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है। ओके ओके, ऑलराइट, लेगेसी, द फैमिली लेगेसी शी कैरी फॉरवर्ड। सो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न के ऊपर और ये है 10,000 रुपए का खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विश्व के किस क्षेत्र का भोजन आमतौर पर चॉपस्टिक का उपयोग करके खाया जाता है? फूड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मोस्टली ईटन यूजिंग चॉपस्टिक्स? ए ईस्ट एशिया, बी वेस्ट यूरोप, सी साउथ अमेरिका और इज इट डी नॉर्थ अफ्रीका? सर ऑप्शन ए ईस्ट एशिया को लॉक किया जाए। ईस्ट एशिया ए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. पहला पड़ाव पार कर दिया आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो चॉपस्टिक है चीनी में इसे कहते हैं, चीनी जो चाइनीज भाषा है उसमें कहते हैं कुआजी, कुआजी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निम्बल वंस, वेरी निम्बल। निम्बल, ओके, हाँ। सर आप खाते हैं क्या इसके साथ? सर आज तक दो दो लकड़ी आता है साथ में, समझ नहीं आया सर पकड़ने का। अरे भाई साहब हमको भी समझ में नहीं आता है कैसे उसको पकड़े, उसको कैसे जोड़े और वो कैसे उठाएं, वो जैसे हाँ। पकड़ने जाते फिसल जाता है, सब गिर जाता है निकल, बड़ी मुश्किल। एक बार एक आध बार कोशिश की थी लेकिन समझ में आया कि वो जो पकड़ के उसको उठा के खाने में वो जो वजन पड़ता है उंगलियों में, तो लगता है इससे बेटर तो अपना स्पून ही लेके खा लो यार, या फोर्क लेके खा लो। हम तो कहते हैं सर अपना भारतीय अपने हाथ लगाया सर, प्रॉब्लम है। भाई साहब आप कुक वगैरह करते हैं, खाना वाना पकाते हैं? हाँ सर, बनाते हैं सर, खाना बनाते हैं। किस टाइप का खाना? सर नॉर्मली जनरली मोस्ट ऑफ द आई मीन रोटी सब्जी से लेके चाइनीज इटालियन बना लेता हूँ। ओके, और वो भी 65 मेरा ट्रेडमार्क है। ये गोभी 65 क्या है? गोभी मंचूरियन का एक देसी वर्षन है। ओनली डिफरेंस क्या है कि हम लोग गोभी 65 में कन्वेंशनल जो चाइनीज वाला सोया सॉस और वो यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिकली अपना देसी जिंजर गार्लिक देसी मसाले में उसको बनाते हैं। इट्स मोर ऑफ अ ड्राई वेरिएंट। 65 क्यों सर? ओके बता रहा हूँ सर, सो ओरिजिनली हाँ जी गोभी 65 हम जैसे वेजिटेरियंस का एक ऑप्शन है, ओरिजिनल चिकन 65 था। चिकन 65 भी होता है? हाँ सर। ये होता है क्या? हाँ हाँ, किसी शेफ से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक जमाने में चाहे जो मसाले का मिश्रण जो है वो 65 अलग अलग इंग्रेडिएंट से मसाला बने थे। 65 मसाले? हाँ। कैसे डालेंगे मसाला? 65 गिनने में तकलीफ होती हो, कैसे मसाला करेंगे? फूड में क्या होता है कि आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बेटर होता रहता है, सो मे बी, बट उसका ट्रिक ये है उसका क्रिस्पीनेस आने के लिए आपको उसको दो बार अलग से फ्राई करना पड़ेगा। तो आपने पहले आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट इन सब में मसाला मिक्स किया हुआ है, आपने मैदा और थोड़ा सा कॉर्न का बैटर सब रेडी किया, उस पर जो आपको मसाला चाहिए वो आपने थोड़ा डाला, सौंफ का पाउडर हल्के से डाल सकते हो, ये सब मिक्स करके आप उसको एक 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। समझा रहे हैं आप हम जैसे हम रोज खाना पकाते हैं? भाई साहब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे बना के लेकिन बना के खिलाओ। जनता सुन रही है आपकी बात और अवश्य वो एक दिन बनाएंगे, कितना मसाला कैसे आप लपेट लपाट करके। गोभी 65, दैट्स राइट सर। ओके सत्यनारायण जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आएगा और यहां से आपको डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर दोनों किस नदी पर बने हुए बांध हैं? सरदार सरोवर एंड इंदिरा सागर are both dams on which river? और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए गोदावरी, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा या डी महानदी। सर ऑप्शन सी नर्मदा को लॉक किया जाए। श्योर हैं? हाँ सर। सी नर्मदा कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है, सरदार सरोवर गुजरात में है, और जिस जिले में स्थित है उसका नाम भी नर्मदा, नर्मदा है। जी, मान्यवर बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ओके, सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए सत्यनारायण जी, ये रहा। केरल के मुन्नार में टाटा द्वारा किसके लिए एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी जहां इसकी बहुत उपज होती है? अ म्यूजियम फॉर व्हाट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द टाटास इन मुन्नार केरल, अ प्लेस वेयर इट इज ग्रोन वाइडली। ऑप्शन सुनिए, ए कॉफी, बी कार्डमम, सी क्लोव, और इज इट डी टी। कॉफी, इलायची, लौंग या चाय? सर ऑप्शन डी टी को लॉक किया जाए। टी? हाँ, डी पे। डी पे सर। श्योर है? हाँ सर, डी पे ताला लगा जाए। सर आपको मालूम है मुन्नार केरल में कॉफी वगैरह भी बहुत उगाई जाती है। हाँ सर, बट ये टी वाला म्यूजियम पे मैं गया हूँ बिकॉज वहाँ पे वो टी प्रोसेसिंग और वो पूरा का पूरा चीज जो है ना वो दिखाते हैं, जहाँ पे टी लीव्स अलग अलग सॉर्ट करके उसको ड्राई कैसे करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बोला बोला सत्यनारायण जी, खेल का आठवां प्रश्न आ रहा है अब, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? हाँ सर। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हवाई अड्डों सहित कई जगहों पर सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था CISF में आई का क्या अर्थ है? What is the I in CISF, the organization that provides security to many places, including airports, stand for? A. Industrial, B. International, C. Investigation, or is it D. Indian? सर ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल को लॉक किया जाए। श्योर? हाँ सर। एकदम थड़ करके आप जवाब दे रहे हैं। फाइनल उत्तर आपका ए? ए इंडस्ट्रियल। ए इंडस्ट्रियल पे थड़ा लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। CISF का अर्थ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और ये 1969 में स्थापित किया गया था। ये हमारे जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, स्पेस इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी जगहों पर ये सुरक्षा जो है ये प्रदान करते हैं। ओके, आ रहा है नवा प्रश्न, 160,000 रुपए। रेडी? हाँ सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। शरीर के इन अंगों में से किस भाग को सी टी एल और एस अक्षरों वाले वर्गों में विभाजित किया गया? विच ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड इंटू सेक्शंस लेबल्ड सी टी एल एंड एस? ऑप्शन सुनिए, ए हैंड्स, बी वर्टिब्रल कॉलम, सी लेग्स, और इज इट डी स्कल? क्या ये हाथ है, रीढ़, पैर या खोपड़ी? सो इफ आई एम राइट, इट्स ऑप्शन बी वर्टिब्रल कॉलम, बिकॉज द स्पाइनल सेक्शन को दे डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेबलिंग। सर ऑप्शन बी वर्टिब्रल कॉलम को लॉक किया जाए। तय कर लिया है सत्यनारायण जी ने कि बी वर्टिब्रल कॉलम पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक बी वर्टिब्रल कॉलम। कैसे अनुमान लगाया आपने सर? सर स्पाइनल इंजरीज में जब होता है दे बेसिकली रेफर टू यू नो सर्टन पार्ट ऑफ दोस, आई मीन कहीं तो पड़ा हुआ है जहां पे दिल से दिस पर्टिकुलर पार्ट विच दे हैव लेबल्ड एस, आई रिमेंबर दैट एस थिंग दैट आई हैव रेड समवेयर,
which says there's an injury to this part of the spine due to which certain movements and everything are restricted. Right. So, इसीलिए और hands और legs में तो कोई ऐसा labeling नहीं सुना कभी भी. और brain में भी अलग sections का you don't have the CTLS labeling, which is why I was able to recollect कि वो spinal column वाला जो है ये उसी में होना चाहिए. And that is why. Is absolutely right, sir. Well done. स्वागत 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 आप सभी का एक बार फिर. कौन बनेगा करोड़पति? ऐसा अब आ रहा है आपके सामने दसवां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव. बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये. इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा. ये मौका देखिए दोबारा नहीं मिलेगा आपको. दसवां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपये. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक जानवर, एक पक्षी, एक पेड़ और एक फूल के अलावा कुछ भारतीय राज्यों ने इनमें से किसे राज्य के चिन्ह के रूप में अपनाया? Besides an animal, a bird, a tree and a flower, some Indian states have also adopted which of these as a state symbol? A. Spider, B. Honeybee, C. Butterfly, D. Beetle. मकड़ी, मधुमक्खी, तितली या भृंग? सर एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा. ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू. आपकी तीनों लाइफलाइंस जीवित हैं. सर आई टेक द ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल, ऑलराइट. ज्ञाननाथ जी ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं. सत्यनारायण जी इसको अंकित कर दीजिए. और ऑडियंस आपकी बारी आ गई. वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब. समय समाप्त हो गया. सी को सबसे ज्यादा 52% मिला है सी बटरफ्लाई को. क्या करेंगे सर? सर ऑप्शन सी लॉक के, बिकॉज़ मेरे को भी बटरफ्लाई लग रहा था. ओके, सो आई थिंक आई विल गो विद द ऑडियंस. ऑलराइट, आई विल ट्रस्ट द ऑडियंस. यस, ऑप्शन सी बटरफ्लाई का लॉक किया जाए. सी बटरफ्लाई पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सत्यनारायण जी. एंड द ऑडियंस इज राइट. वेल डन. थैंक यू गाइस. तितली के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रचार के लिए, जस्ट टू बी एबल टू टॉक अबाउट द बटरफ्लाई, उनको आजकल प्राथमिकता से राज्य चिन्ह के रूप में भी चुना जा रहा है. और कुछ स्टेट बटरफ्लाइज के उदाहरण मैं आपको बता दूं. महाराष्ट्र में द ब्लू मर्मन इज एन एम्बलम एज ए सिंबल. कर्नाटक में आपकी जगह सदन बर्डविंग उस तितली का नाम है. right. आदि है. okay. भाई साहब कुछ चीजें बता दें आपको. सबसे पहले तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए हैं और आपके पास अब समय समय है. True. लेकिन उससे पहले एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 का. ये देखिए चेक आपका सर. थैंक यू. 3,20,000 रुपया. बहुत बहुत बधाई आपको. मनीवर कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं. ये लिशिका है. yes. आपकी पत्नी है और आपकी माताश्री है. हाँ सर. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर. कौन बनेगा करोड़पति? नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्ते सर. उनसे तो रोज ही बात करते हैं, हमें आपसे बात करना है सर. जी आप कुछ कहना चाहेंगे इनको, अपने पति देव को? इनको नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगी सर. फोन लगाया इनके लिए. हमारी बातचीत हो गई. सात जन्मों का नाता है, मुझे हमेशा उन्हीं के साथ रहना सातों जन्म तक. तो ये जो कुछ पल मिले मुझे लाइफ में, तो मैं बस आपसे ही बात करना चाहती हूँ. जी जी जी. इस बार मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मैं वहां नहीं आई हूँ, लेकिन सर प्लीज मेरे लिए दो शब्द बोल दें आपकी. सपना जी अगर तुम यहाँ होती तो यहाँ का मौसम ही कुछ और होता. क्यों नहीं आई? ओहो.
अरे वो आपकी आपकी बेटी है जिसके बारे में आपने बोला, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे? इसी की वजह से नहीं आया सर, एक्चुअली ये बीमार भी थी और ये बहुत परेशान करती है। जी जी हाँ जी। अरे आप, मुझे नहीं पता कि आप अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ये मतलब इतना बड़ा ड्रीम है, इतना बड़ा ड्रीम है। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। बच्चन साहब के सामने बैठने जी, सपना जी और उनकी माता श्री गिरिजा जी, इन सब को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे सर, दो शब्द तो? जी जी सर, छोड़ेंगे आपकी वॉइस के लिए सर, पूरी इतनी लंबी उम्र और आगे भी निकालनी, तो बस वो ये ड्रीम देखते देखते निकाल दूंगी। अच्छा सुनिए देवी जी, आपके केस बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पहले ये प्ले अलोंग कंटेस्टेंट हैं और हम इनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। यशपुर लकी सर, हमने आज आपसे बात करी। क्या थैंक यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट अनी, ऑल द बेस्ट। ये जब बात सार्वजनिक हो जाती है ना सर, तो बड़ा अजीब लगता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। कितना अच्छा लगता है सर, हर बार घूमते हैं ताली बज जाती है सर। सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं। अरे नहीं 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 सर, ये बात नहीं सर, हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। बीस साल पहले जब बॉम्बे में पढ़ाई करता था, उस वक्त किसी ने बोला था कि यू नो अमिताभ बच्चन जी संडे को अपने घर के बालकनी में आते हैं प्रतीक्षा के वहाँ पे और सबको दर्शन देते हैं। सो एक आध बार जब भी वक्त मिला था संडे को, हम भी पहुँच गए थे, लेकिन अलग बात है कभी दर्शन हुआ नहीं। सो 135 करोड़ लोग जो भारत में है ना, किसी से भी आप पूछोगे एक बार अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिले तो कौन मना करेगा। सबके सब यहाँ जो बैठे हैं, कभी भी आप आए, सबके लिए बात है कि अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे हैं। मनिवर, जब हम इस खेल के नियम आपको समझा रहे थे तो हमने बताया था कि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न है, तिलस्मी तिजोरी, जो कि 17वां प्रश्न होता है और उसका द्वार अब खुल जाएगा 7.5 करोड़ का। दूसरा ये है कि जो हमने कहा था हमारे धन अमृत जो हमारा पड़ाव है 15वां प्रश्न 75 लाख रुपये का, वो भी अब खुल जाता है। अब खेल की ओर आपका ध्यान आना चाहिए। अब आपके सामने प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपको समय ही समय देगा। दो लाइफलाइन बची हुई आपके पास। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न 6,40,000, और हम आमतौर पर कहते हैं ये लीस्ट रिस्क प्रश्न है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं, आप 3-20 पे रहेंगे, ये निश्चित हो गया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपये, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल और क्रिकेट टीमों के लिए भारत के लिए पहले विदेशी कोचों के लिए कौन सा उपनाम समान है? What's her name is common to the first foreign coaches of the Indian men's national football and cricket teams? A. Wright, B. Kirsten, C. Fletcher, D. चैपल। पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल और क्रिकेट टीमों के लिए भारत के पहले विदेशी कोचों के लिए कौन सा उपनाम समान है? समय ही समय आपके पास। सही उत्तर देंगे 6:40। द सरनेम इज कॉमन।
एनी आइडिया? कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी. Trying to get the timeline in place. So I'll go with a 50-50 lifeline. 50-50 lifeline? Alright. Computer ji, 50-50 lifeline lenge. Satyanarayan ji, isko ankit kar dijiye. Satyanarayan ji, do jo galat vikalp hain, wo mit jayenge. Mita dijiye, computer ji. Hey, Bhagwan, jahan aap ja rahe the, dono mit gaye. Now you have got A right and B cursed. I'll take a chance because I know using the other lifeline will not help me. I'll take a chance, A, right? You want to go with right? Yeah. Okay. Final uttar, bahut soch vichar ke Satyanarayan ji ne kaha, A, right. Tala lagaya jaye. Kirsten hamare cricket team ke coach hai. But ye first foreign coach wale the, to mere ko isi liye, because Chapel was also there. अर्लियर तो मेरे को जब चैपल का वो भी चला गया देन आई हैड अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन बिकॉज कर्स्टन केम इन लेटर चैपल वाज देयर बिफोर तो मेरे को इसलिए मेरे को ये था एंड दैट वाज अ बिट ऑफ अ स्टंप्ड ओके बिकॉज आई न्यू अदर लाइफलाइन विल नॉट हेल्प मी सो लॉजिकली राइट हैज टू बी करेक्ट बिकॉज जॉन राइट सर लॉजिकली आपने सही जवाब दिया है वेल प्लेड थैंक यू Well done. इंग्लैंड के हैरी राइट भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के पहले विदेशी कोच थे और उन्होंने 1960 के दशक में यह पद संभाला था और न्यूजीलैंड के जॉन राइट इंडियन क्रिकेट भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पहले विदेशी कोच थे ही वॉज द फर्स्ट क्रिकेट कोच So both their surnames matched. एक और चीज था because South Africa is not really known for football. That's more of a rugby cricket. So Kirsten's typically a South African name. So Wright is something which is your New Zealand, England, who are still ahead in football. तो इन दोनों के बीच में फिर that logic had to work. अच्छा अनुमान लगाया आपने. Well done. Yeah. Okay. Very good. 6,40,000 जीत गए आप. सर एक चीज पूछनी थी आपसे. जब ये कॉल आया ना KBC से. तो क्या कर रहे थे आप सर एक्चुअली सुबह आई थिंक इट वाज 9:32 इन द मॉर्निंग एक मीटिंग में एंटर कर रहा था और अचानक से कॉल आया था मुझे पहले लगा कि यार शायद कोई कंसल्टेंट ने कॉल किया होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत सारे हैं आजकल तो फिर सोचा नहीं उठाऊं फिर सोचा ऐसे उठा लेता हूं सो उठाया सो उठाते ही यू नो सोनी की टीम के मेंबर ने कॉल किया उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम KBC से कॉल कर रहे हैं पहला लगा मुझे कि एक प्रैंक कॉल हो सकता है यार सुबह सुबह कोई प्रैंक कॉल कर रहा है फिर उन्होंने एक बोला कि आप प्ले अलोंग खेल रहे हो इसकी वजह से आपको शॉर्टलिस्ट किया है तब जाके समझ में आया कि ये शायद सही हो सकता है क्योंकि उनको कहाँ से पता चला कि मैं प्ले अलोंग खेल रहा हूँ ओके हाँ तभी भी आई वाज इन टू माइंड्स कि यार ये सही में है कि नहीं क्योंकि कोई कम्युनिकेशन और कुछ था नहीं तो उन्होंने बोला कि हम फिर एक वीडियो शूट करेंगे आपको पहले ब्रीफ समझने के लिए तो उसका एक वेब लिंक भेजेंगे और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे आई थिंक जब उन्होंने वेब लिंक भेजा और वो शूट हुआ तब जाके भरोसा हुआ कि हाँ यार ये सही में KBC का कॉल है wow. वहां से लेके फिर घर वालों को जस्ट इन्फॉर्म किया और उन्होंने बोला कि शाम को 6-7 बजे तक हम आपको बताएंगे अगर आप सेलेक्ट होंगे तो बताएंगे 9-9:30 बजे तक कोई कॉल नहीं आया 9:30 बजे अचानक उनके कॉल आ जाता है कि अच्छा आपको बताना है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है तो हमको रीशूट करना पड़ेगा पूरा अब मैं तो घर पर कपड़े में बैठा हुआ था तो उनको बोला कि यार आप मेरे को 5 मिनट दीजिए मैं बदल लेता हूँ कपड़े बदल के वापस लॉग इन किया उसी लिंक में तो उन्होंने बोला आपके घर वाले तो होंगे आसपास आप प्लीज़ उनको बुलाइए तो घर वालों को बुलाया उन्होंने देखा और उन्होंने अनाउंस किया कि आप KBC का प्ले अलॉन्ग का फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट हो इस सीजन का आप सिलेक्ट हो चुके हैं प्ले अलॉन्ग के पहले एपिसोड के लिए KBC सीजन 14 के लिए At 2:20 in the morning, ticket aaya. Then it started to feel ki okay, I'm finally going. So our ticket the agle din subah 10 baje nikalna tha. So there was no time to do anything. Yeah. So the whole journey from there
फिर शुरू हुआ। अगले दिन जब यहाँ पहुंचे होटल में, तब टीम ने वेलकम किया, तब जाके लगा कि हाँ। बट देन आज सुबह जब तक यहाँ बैठे नहीं ना, और जब तक आपने वहां से एंट्री नहीं मारी, तभी भी लग रहा था यार ये कोई मॉक सेट तो नहीं है कि भाई यू नो आप यहाँ पे खड़े हुए। तब समझ में आया कि यार अब ये हकीकत में हो रहा है कि जो 22 साल 1 महीना 9 दिन का सपना है वो आज आके पूरे होने वाला। पूरा सब गिन के रखा हुआ है आपने। ऑल ऑन सर, ऑल ऑन चंद्रा जी, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 12.50। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। सत्यनारायण जी आपके सामने ये रहा। ईज का क्या अर्थ है जो भारत के तट से 100 से अधिक मील तक फैला हुआ है? EEZ. What does EEZ or ease, which extends more than 100 miles from India's coast, expand to? A. Enter and exit zone. B. Eminent enterprise zone. C. Exclusive economic zone. D. Emergency effect zone. So I'll go with option C, exclusive economic zone. Okay. Yeah. So option C. सोच लिया आपने अच्छी तरह? हाँ सर। Okay. ये आपका फाइनल उत्तर? हाँ सर। कमिटी महाशय सत्यनारायण जी कह रहे हैं C, exclusive economic zone. ताला लगाया जाए। ने देखा है आपको, जब भी आप प्रश्न आता है आपके सामने, आप उसको सोचते हैं और बहुत ही सोच समझ के बाद अनुमान लगाते हैं। इस प्रश्न के लिए आपके मन में क्या चल रहा है? सर बेसिकली क्या है कि फ्रॉम अ इकोनॉमिक्स आई मीन एक्सपेंशन ऑन दी टू प्रमोट मोर ऑफ यू नो एंटरप्रेन्योरशिप, अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स अक्रॉस गवर्नमेंट्स ग्लोबली आर वर्किंग ऑन। हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी जो कैंपेन है, सो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, यू आर गेटिंग सर्टेन एडिशनल बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बेसिकली टू ऑपरेट एंड क्रिएट मोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्री। एंड पर कोस्ट के बगल में ही क्यों? सर कोस्ट बिकॉज पोर्ट्स, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग, देन पोर्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्ट, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पोर्ट्स का। तो ये इकोनॉमिक जोन जब तक पोर्ट्स के आसपास होते हैं, आपका जो लॉजिस्टिक्स वाला प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। That is why, because between B and C confusion tha, but C looked more relevant, इसीलिए फिर B में भी था eminent enterprise. Yes. इसीलिए दोनों के बीच में confusion tha, but went with the logic. There is the right answer. Well done. Well played, sir. Well played. Thank you. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। और अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं आपने बहुत ही सोच समझ कर खेला है। ऑलराइट, 25,00,000 रुपए जीते सत्यनारायण जी, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास। 13वां प्रश्न 25,00,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु की 75 मीटर ऊंची मूर्ति आपको किस देश में मिलेगी? In which country will you find a 75 meter tall statue of Lord Vishnu riding Garuda? A. Bhutan. B. Indonesia. C. Nepal. D. Sri Lanka. Ek lifeline bachi hai aapke paas. Sahi jawab denge aapko 25 lakh rupaye.
गलत नीचे ले जाएंगे आपको 3:20 पर। समय की कोई पाबंदी नहीं है। रिस्क या चांस लेना यहां पर चलता नहीं। सर, आल्टे चांस विद ऑप्शन बी इंडोनेशिया। लाइफलाइन विल नॉट हेल्प मी हियर, पता है। लॉजिक इज इंडोनेशिया इज अगेन अ कंट्री जहां पे जिनका एयरलाइन भी गरुड़ा है, एंड इंडिया में एक डाउट था, बट देन इंडिया ऑप्शन है ही नहीं। आई गो विद बी इंडोनेशिया। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर, बी इंडोनेशिया का लॉक किया जाए। कमरे महाशय सत्यनारायण जी कह रहे हैं बी इंडोनेशिया, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वेल डन सत्यनारायण जी। दो कंट्रीज ऐसे थे जहां पे बुद्धिज्म टेक्स प्रिवेलेंस, श्रीलंका एंड भूटान। यस, बुद्धिज्म इज प्रिवेलेंट, टेक्स मोर प्रिवेलेंस, तो गरुड़ा का चांसेस कम थे। और नेपाल जो है वहां शिवजी का थोड़ा ज्यादा चलता है, सो विच इज वाई विष्णु एंड गरुड़ा, दैट इंडोनेशियन एयरलाइन हैड टू कम इन टू माइंड, सो दैट्स हाउ दैट एलिमिनेशन। सुंदर तरीके से आप सोच उतारते हैं सर, वेल डन सर। तो ये जो मूर्ति है जिसे गरुड़ विष्णु केनकाना प्रतिमा कहा जाता है, बाली इंडोनेशिया में ये स्थित है। मूर्ति की ऊंचाई 246 फीट यानी कि 75 मीटर है। यदि आप उस विशाल आधार को शामिल करें जिस पर यह मूर्ति खड़ी हुई है, तो इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी 120 मीटर। okay. और उससे भी अधिक। वेल प्लेड सर, थैंक यू। आप जैसे खेल अपना खेल रहे ना, आपके दिमाग में यह साबित हो जाता है कि कैसे सही उत्तर पर पहुंचा जाए। सर, बहुत से लोग सोच लेते हैं कि यही होगा, या गेस कर लेते हैं, या उनको पहले से मालूम है, लेकिन हमने देखा है शायद पहली बार, मैं आपको बता दूं भाई साहब, कि आप सही उत्तर पर कैसे पहुंचा जाए वो सोचते हैं, और तभी आपने जितने भी सवालों का उत्तर दिया वो सही निकले। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। कौन बनेगा करोड़पति? सर, बहुत से लोगों को विश्वास नहीं था, आपकी वजह से उनके अंदर एक विश्वास बढ़ा है। हाँ सर, और हम बधाई देते हैं आपको, न केवल फर्स्ट कंटेस्टेंट होने के तौर पर, बट लोगों के अंदर आपने विश्वास भर दिया। और आज चंद्रा जी, ये आ रहा है 50 लाख रुपयों का प्रश्न। ये है 14वां प्रश्न, 14th question, 50 लाख रुपीज, एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। सत्यनारायण जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? Which city that initially won the bid to host the 2022 Commonwealth Games was later stripped of the rights to do so? And your options, आपके सामने ये रहे। A. Edmonton, Canada. B. Durban, South Africa. C. Hambantota, Sri Lanka. D. Christchurch, New Zealand. किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? I'll take a lifeline. You'll take a lifeline? हाँ, because all right. The last option जो available है, I mean video call friend. All right. ये कबीर जी अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सत्यनारायण जी, इसको अंकित कर दीजिए। सत्यनारायण जी, तीन नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो नाम।
सर आई विल गो विद जगन्नाथन रमणन. जगन्नाथन रामनन. यस. जैनेन्द्र ओझा. अर्चना कुमार. यस आई विल गो विद जगन्नाथन रमणन. जगन्नाथन जी को फोन लगाया जाए. आपके मित्र हैं ये? इज ही योर फ्रेंड? ही इज माय फ्रेंड. ओके. तो सामने यहां देखिए आगे उनके आएंगे यहां पर. जगन्नाथन जी नमस्कार. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार. नमस्कार. गुड टू टॉक टू यू. थैंक यू सो मच सर. आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड सत्यनारायण. ही इज ऑन द हॉट सीट. ही इज नॉट बीइंग एबल टू आंसर अ क्वेश्चन एंड ही इज आस्किंग यू फॉर सम हेल्प. द नेक्स्ट वॉइस विल बी सत्यनारायण जीज. ही विल रीड अ क्वेश्चन. इट हैज फोर ऑप्शंस ए बी सी डी. Okay. And the moment he starts speaking, the clock will start and you have just 45 seconds to answer the question. Okay. Satnarayan ji, aapka samay shuru hota hai ab. Jagan, which city that initially won the bid to host the 2022 Commonwealth Games was stripped of the rights to do so? Edmonton, Canada, Durban, South Africa, Hambantota, Sri Lanka, Christchurch, New Zealand. It was stripped, the rights, it was recently held in Birmingham, but the one which was stripped off. Do you have an idea? I'm not sure, Satya. I'm really not sure about the answer. You're not sure? I wish I could have helped you. Theek hai, no worries. No worries. Theek hai. Sure. Thanks, man. Yeah. Yep. Thanks. Bye. नहीं बता पाए जगन्नाथन जी. हाँ सर. अगर आपके पास सही उत्तर है तो ही मैं कहूंगा आपसे खेलने के लिए आगे ना. Right. हो तो आप क्विट कर सकते हैं. राइट सर. 25 लाख रुपए आप जीते. आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं. ट्रू. सो लॉजिकली इट्स बेटर टू क्विट. ओके. देयर्स नो सेंस टेकिंग अ चांस एट दिस स्टेज. या आपके मन के अंदर आप कुछ विचार थे? आपके विचार तो है सर, दो है, बट वही आई एम अ लिटिल स्टक बिटवीन दोस टू. राइट. तो इसीलिए आई थिंक आई विल क्विट. यू विल क्विट. या अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर. फाइनल डिसीजन. ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी, सत्यनारायण सुब्बराय जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे. 25 लाख रुपए आप जीत रहे. बिग हैंड फॉर सत्यनारायण जी. वेल प्लेड सर. थैंक यू सर. और आपके खेलने का जो तरीका है उसकी हम सराहना कर रहे हैं, इसीलिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको. और इससे पहले कि आपकी जो जीती हुई धनराशि हम ट्रांसफर कर दें, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको गेस करना होता तो क्या करते? सर, आई विल गो विद बी, डर्बन, साउथ अफ्रीका. ओके. अगर आप गेस करते तो वो होता बी, डर्बन, साउथ अफ्रीका. लगाया जाए ताला, इसमें देखें क्या होता है. सर आपने ये तो गेस किया हुआ है, लेकिन गेस लॉजिक क्या था? था एक लॉजिक इसका ये था कि डर्बन साउथ अफ्रीका वाज लाइकली टू बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर. तो मेरा एक लॉजिक ये था कि इफ यू आर सेटिंग अप अ कॉमनवेल्थ गेम्स देन वो पॉसिबिलिटी है कि आपको जरूरत पड़ेगी पानी, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज. सो बिकॉज जो भी पैरामीटर्स होते हैं टू सेट अप अ कॉमनवेल्थ गेम्स, दिस सिटी वॉज नॉट फुलफिलिंग. Which is why I felt Durban, South Africa was the right answer. Okay. मेरे ख्याल से शायद जो आप बात कर रहे हैं वो Cape Town की बात थी. Sorry. Yes, Cape Town. I mixed up. Yes. लेकिन यदि आप Durban कहते तो ये सही होता सर. This was the right answer. Okay. Durban ने 2015 में खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते थे. खेलों की शुरुआत नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर होनी थी. Okay. दुर्भाग्यवश दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आर्थिक तंगी के कारण उन्हें 2017 में मेजबानी से हटा दिया गया था. सो इफ यू हैड टेकन अ रिस्क व्हिच आई डाउट यू वुड हैव, जिस तरह से आप खेल रहे हैं डर्बन. प्रीवियस क्वेश्चन आई वुड हैव टेकन, बट खुद से डिसाइड कर लिया था कि 25 यू विल नॉट टेक अ रिस्क. इट्स नॉट वर्थ इट समटाइम्स. एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं. और ये 25 लाख रुपए मान्यवर ऐप द्वारा आपकी जो जीती हुई धनराशि है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया,
25 लाख रुपए 1 2 3 4 5 दबा दिए, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी वक्त आपके अकाउंट में गया ये पैसा। थैंक यू सर, बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड सर, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए।